नालागढ़ उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील करने पहुंचे कांग्रेस के नेशनल लीडर सचिन पायलट, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, दून विधायक CPS रामकुमार चौधरी खास तौर पर मौजूद रहे। हजारों की संख्या में आई जनता से वोट अपील करते हुए हरदीप सिंह बाबा भावुक हो गए। कांग्रेस पार्टी के महासचिव कद्दावर नेता सचिन पायलट ने जनता से अपील कर कहा है कि इतनी दूर से सिर्फ बाबा हरदीप सिंह के लिए वोट अपील करने आया हूं। माताओं, बहनों, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, आज मुझे बहुत खुशी घंटा है मैं आपके बीच में आपके समर्थन मांगने के लिए उपस्थित हुआ हूं, आपके वोट मांगने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मंच पर सभी तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, मंत्रियों ने प्रदेश की सरकार के बारे में, हमारे कमिटमेंट के बारे में, जो जो योजनाएं हम लोग लेकर आए हैं और आने वाले समय में नालागढ़ के विकास के बारे में जो संभव होगा उससे ज्यादा काम करने का आपको वादा इस मंच सब लोगों ने किया है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबसे सलाह करने के बाद हरदीप बाबा जी को आपका दोबारा उम्मीदवार बनाया है। था केएल ठाकुर साहब, वो भी जनता की वोट लेकर ही विधानसभा पहुंचे थे और सरकार बनने के बाद जो जो सरकार को काम बताए वो हमारी सरकार ने पूरा करने की कोशिश की, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होता है, जनता के वोट से जीत कराता है। लेकिन मुझे तो हमेशा लगता था कि जो ठाकुर होते हैं अपनी बात के पक्के होते हैं, लेकिन मुझे खेद है कि यहां पर एक अजीब घटनाक्रम हुआ जिसके चलते आज यहां पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं बाबा जी बड़े किस्मत।